हाय एवरीवन, इसमें हम जैन, यू आर वॉचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं एक रिलीजियस सॉन्ग्स। हमें तीन चार सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट आई हुई है, उसमें से ये पहला हम लेके आए हैं। हम आउट ऑफ द वे, मतलब अब रिक्वेस्टें पूरी कर रहे हैं, क्योंकि जिन दिनों पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं था उन दिनों की वजह से लिस्टें हो गई हैं आगे पीछे। तो हमने सोचा कि अब दोबारा से बार बार कंपाइल ही करते रहेंगे, बेहतर है कि बस जो वो हाथ में आ रही है उसे साथ साथ पूरा कर देते हैं। तो इसका नाम है जनाब, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो ये हम मुझे याद पड़ते हमने पहले सुना था, तो हो सकता है कोई रीमिक्स उन्होंने भेजा। अब उठा ही लिया तो रिएक्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो ख़त्म हुई हुई रीच है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। तो शुरू करते हैं। 3, 2, 1, 9। वेलकम। ओके, स्टैटिक वीडियो है और रिमिक्स है, पहले ऐसे नहीं था म्यूजिक। चलिए देखते हैं क्या सीन है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए। डेफिनेटली रिमिक्स है। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के निर्मल क्या होता है? को ना दुनिया में मेरा लगता मन, शबरी बन के बैठा हूँ मैं, श्री राम में अटका मन, बेकरार मेरे दिल को मैं कितना भी समझा लूं, राम दरस के बाद दिल छोड़ेगा ये धड़कन। काले युग का प्राणी हूँ पर जीता हूँ मैं त्रेता युग, करता हूँ महसूस बलों को माना ना वो देखा युग, देगा युग कली का ये पापों के उपहार कई, छंद मेरा पर गाने का हर प्राणी को देगा सुख, हरी कथा का वक्ता हूँ मैं राम भजन की आदत, राम आभारी शायर मिल जो रही है दावत, हरी कथा सुना के मैं छोड़ तुम्हें कल जाऊंगा, बाद मेरे न गिरने देना हरी कथा विरासत, पाने को दीदार प्रभु के नैन बड़े ये तरसे हैं, जान सके ना कोई वेदना रातों को ये बरसे हैं, किसे पता किस मौके पे किस भूमि पे किस कोने में, मेले में या वीराने में श्री हरि हमें दर्शन दे। पता नहीं किस रूप में कह लो कि ओरिजिनल और रैप कॉमिक्स किया है। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाए। रिमिक्स वैसे अच्छा की है। अच्छा, नारायण जो है ये कौन है? राम के ही अवतार ये काला युग, पीड़ा और भारे दिल के सारे दुख, मिलने को हूँ बेकरार पर पापों का मैं भागी भी, नजरे मेरी आगे तेरे श्री हरि जाएगी झुक, राम नाम से जुड़े हैं ऐसे खुद से भी ना मिल पाए, कोई न जाने किस चेहरे में राम हमें कल मिल जाए, वैसे तो मेरे दिल में हो पर राम के प्यासी दर्शन की, शाम सवेरे सारे मौसम राम की ही दिल गाए, रघुवीर ये विनती है तुम दूर करो अंधेरों को, दूर करो परेशानी के सारे भूखे शेरों को, शबरी बन के बैठा पर काले युग का प्राणी हूँ मैं, झूठा भी न कर पाऊंगा पापी मुंह से बेरों को, बन चुका बैरागी दिल नाम तेरा ही लेता है, शायर अपनी सांसे ये राम सिया को देता है, और नहीं इच्छाएं अब जीने की मेरी राम यहाँ, बात मुझे मेरी मौत के पास ले जाना तुम त्रेता में। त्रेता क्या है? जन्नत है ये कुछ और है? राम के चरित्र में सबको अपने घर का अपने कष्टों का एक जवाब मिलता है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ये पीछे चौरस चल रहा है ना, ये निर्मल मन के दर्पण इस सॉन्ग की जान है। राम के दर्शन पाए।
भाई साहब ये पहले भी सुना हुआ है, पहले हमने थोड़ा स्लो वर्जन था, यानी जो ओरिजिनल था, आपको पता है ओरिजिनल जो सॉन्ग्स होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं, ये थोड़ा आज की जनरेशन के हिसाब से था, थोड़ा रीमिक्स था, थोड़ा हाई फाई था, थोड़ा सा रैप भी था, लेकिन रैप कोई ऐसा वैसा नहीं था जो आप ये कह रहे हो कि शायर की जो अपने मन की बातें थी साथ में जो आप कह लें कि जो किताबों में बातें लिखी हैं उनको साथ मिक्स किया गया था और एक पैगाम दिया गया है। तो जो जानते हैं जो समझते हैं वो तो बड़ा डीपली एनालिसिस कर चुके होंगे, मेरे जैसा बंदा जो नहीं जानता, तो मैंने 3-4 चीज़ें ड्यूरिंग सॉन्ग पूछी हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं करना चाह रहा था लेकिन रहा नहीं गया। एक तो ये था कि निर्मल क्या होते हैं, दूसरा ये त्रेत्र त्रेत्र या फिर त्रेता, प्रोनंसिएशन से एक्सक्यूज़ कीजिएगा, लेकिन ये क्या होते हैं, और नारायण जो हैं वो क्या मतलब राम के ही कोई अवतार हैं या फिर ये क्या हैं, मतलब ये आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर हमें इंस्टा पे डीएम कर दीजिएगा। बाकी कुछ लोगों ने हमें बुक्स जो हैं वो भेजी थी, उनको पैगाम देने हमें नहीं मिले भाई। अब पता नहीं कस्टम वाले रोक लेते हैं या फिर क्या इशू है, लेकिन हमें बुक्स नहीं मिली। कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं, हो सकता है कभी आ जाए, आपको पता ही है क्रॉस बॉर्डर पार्सल्स तो ऐसे ही होते हैं, कभी भी टपक जाते हैं। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी फीलिंग थी इसमें, जो चौरस चल रहा था पीछे ये कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, ये इस सॉन्ग की जान थी और यही मैं कहता हूँ ये मतलब बैकबोन थी इस पूरे सॉन्ग की, मज़ा आया सुन के। आप बताएं आपको कैसा लगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, और कहीं पे अगर गलती वलती होगी तो एक्सक्यूज़ कीजिएगा, बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं होती लेकिन भूल चूक हो ही जाती है, तो अगर हुई हो तो हम एक्सक्यूज़ करते हैं और आप हमें जो चंद हमने चीज़ें पूछी हैं इनके जवाब ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइज़।